अस्सलाम वालेकुम जी। तो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आज किस वीडियो में हम 9th क्लास इंग्लिश कंपलसरी का लाहौर बोर्ड से सेकंड ग्रुप का जो पेपर है, ऑब्जेक्टिव पेपर, वो सॉल्व करेंगे। लिहाजा आपने इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखना है ताकि आपको आपके ऑब्जेक्टिव मार्क्स का पता चल जाए कि आपके 19 में से कितने नंबर दुरुस्त आए हैं। ठीक है जी। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है इट डैश टू रेन एन आवर अगो। आपको पता है जब जुमले में अगो आ जाए तो फेल की सेकंड फॉर्म लगती है, तो बी ऑप्शन दुरुस्त था। नेक्स्ट है जी, शी डैश सिंस मॉर्निंग। सिंस जब जुमले में आ जाए तो हैज बीन, हैव बीन या हैड बीन के बाद फेल की चौथी फॉर्म वाला ऑप्शन दुरुस्त होता है, तो डी ऑप्शन दुरुस्त है। नेक्स्ट है जी, गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज। तो गुड स्टूडेंट्स जो है ये क्या है, प्लूरल है, और ऑलवेज जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को इंडिकेट करता है, तो ए ऑप्शन दुरुस्त होगी। गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज वर्क हार्ड। नेक्स्ट चौथा एमसीक्यू है जी, द कोर्ट इट्स वर्डिक्ट ऑन थर्सडे नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट आ गया तो विल या शैल के बाद फेल की पहली फॉर्म आएगी, डी ऑप्शन दुरुस्त है। नेक्स्ट जी, पांचवा जुमला, शी डैश इंग्लिश नाउ। नाउ आ गया जुमले में, तो अब आपको पता है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का जुमला शुरू में सिंगुलर जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, लिहाजा इसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, शी इज स्पीकिंग इंग्लिश नाउ। नेक्स्ट करेक्ट स्पेलिंग है, तो छठा जो है इसका है डी ऑप्शन दुरुस्त है। ठीक है जी। उसके बाद जो सातवां है ये सी ऑप्शन दुरुस्त है। नेक्स्ट है जी मेमोरी, ए ऑप्शन दुरुस्त है। और नेक्स्ट है जी पैट्रियोटिज्म, डी ऑप्शन दुरुस्त है। ये इसकी स्पेलिंग है। नेक्स्ट जी, सिनोनिम्स हमने बताने हैं, मीनिंग वगैरह। क्यूरेटिव का मतलब होता है हीलिंग, डी ऑप्शन दुरुस्त है। नेक्स्ट जी रैपिड, रैपिड का मतलब होता है क्विक, ए ऑप्शन दुरुस्त है। नेक्स्ट जी एस्टोनिश, एस्टोनिश का मतलब होता है सरप्राइज, तो ये दुरुस्त है। नेक्स्ट जी क्रेजुअली, क्रेजुअली का मतलब है स्टडीली। ठीक है। नेक्स्ट जी इम्प्रेसिव, इम्प्रेसिव का दुरुस्त ऑप्शन है रिमार्कबल। नेक्स्ट ग्रामर का पोर्शन आ गया जी, तो पहला है लाफ्स, लाफ्स ग्रामर की रूप से क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट है जी क्राउड, क्राउड क्या है जी, कलेक्टिव नाउन है हमारे पास। उसके बाद जी बिसाइड द अनगैदर्ड राइस, ये क्या है जी, प्रपोजिशन फ्रेज है। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी सम, सम क्या है जी, सम है इनडेफिनेट प्रोनाउन। और लास्ट वन है कुकिंग, और डियर फ्रेंड्स कुकिंग जो है ये है जेरंड। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके मार्क्स का पता चल गया होगा कि ऑब्जेक्टिव पेपर में कितने मार्क्स हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यूट्यूब चैनल को लाजमी लाइक कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको कामयाबियों से नवाजे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।